गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि बोहरा हूँ। मैं MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और सर्जरी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने रिसेंटली मणिपाल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और यहाँ का IVF डिपार्टमेंट संभाला है। IVF के बारे थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी हम किसको बोलते हैं? इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं जब कोई भी एक कपल जो ट्राई कर रहा हो प्रेगनेंसी के लिए एक साल से और वो बच्चा कंसीव ना कर पा रहे हों, हम उसको IVF उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि जिसके बीच में कि औरतें, औरत, आदमी और दोनों के इकट्ठे कारण भी हो सकते हैं। तो औरतों के बीच में जैसे कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कोई एंडोमेट्रियोसिस या फिर इररेगुलर पीरियड्स का होना या एग्स की कमी होना या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम आ जाए जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, कुछ प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम या कभी ट्यूब्स का ब्लॉक होना या कभी कभी कुछ कारण नहीं भी मिलता है जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। उसी तरह आदमियों में भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कि प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो, जैसे कि आदमियों के बीच में शुक्राणु का ना होना जिसको हम अजोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर कम होना, अगर कम हो उससे भी चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी ना ठहरे, या फिर आदमियों के भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या फिर उनके अंदर भी कुछ हार्मोन्स का एक्सेस या कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, या आजकल जैसे बहुत सारे आदमी या जो भी हैं ये बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है कि बाहर से इंजेक्शंस लेने का, जिसके कारण कि आदमियों के बीच में जो शुक्राणु हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, स्ट्रेसेस हैं, देयर बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इन कारणों के बीच में 90% ऑफ द कारण ऐसे होते हैं जो ट्रीटेबल होते हैं, उनके अंदर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स आती हैं जिसके बीच में कि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं IUI के थ्रू। IUI मतलब डायरेक्टली इंट्रायूटरिन इंसेमिनेशन बोला जाता है इसको। और हम नेचुरल मेथड्स के साथ भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट जिसमें कि पेशेंट्स को सिर्फ कुछ दवाइयां देकर कंसीव करवाया जा सकता है, या फिर उसके बाद हम IVF या ICSI कर सकते हैं। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम लेमैन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। और ICSI सबसे रीसेंट एक तरह का एक प्रोसीजर है जिसके बीच में कि डायरेक्टली एग के बीच में स्पर्म को डाला जाता है। ये स्पेशली जब पेशेंट के बीच में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं ICSI। और ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी होना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। 1 in 6 कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, मीन्स अगर 6 कपल्स हैं उनमें से एक कपल को इनफर्टिलिटी होगा, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो इसके बीच में कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर को मिलिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें पता लगेंगी जिसके कारण कि हम वो चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सोच लेना कि इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं हो सकती है, चाहे वो मेल फैक्टर है चाहे वो फीमेल फैक्टर है, दोनों ही ट्रीटेबल चीज़ें हैं। तो इसलिए आप हमारे हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हैं और आप पूरी इस चीज़ की जानकारी आगे ले सकते हैं। थैंक यू।